के बाद स्वागत है आपका। बलरामपुर के जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री कोविड केयर फंड से दिए गए 50 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट बनकर तैयार हो गया, जिसके सहयोग से 10 बेड वाला ऑक्सीजन वार्ड भी तैयार कर लिया गया है। वहीं विधायक कैलाश नाथ शुक्ला और पलटू राम ने फीता काटकर ऑक्सीजन प्लांट और वार्ड का फीता शुभ काटकर शुभ आरंभ किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट तथा 10 बेड वाला वार्ड तैयार हो गया है। इस जनरेटर ऑक्सीजन प्लांट से प्रति मिनट 100 लीटर ऑक्सीजन जनरेट किया जा सकेगा और इस वार्ड के तैयार हो जाने से जनपदवासियों को अब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए किसी और ज़िले का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सबके लिए बड़ा ही गौरव का अवसर है कि हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन के पवित्र अवसर पर बलरामपुर संयुक्त चिकित्सालय में ऑक्सीजन उत्पादन केंद्र का की स्थापना हो रही है। ये एक संयोग से ऐतिहासिक क्षण बन रहा है। हम लोगों ने पिछली बार देखा कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की बड़ी मारामारी मची और बहुत से हमारे लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने प्राण गंवा दिए। हम सब ने भी प्रयास किया, स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रयास किया, शासन प्रशासन ने भी प्रयास किया, लेकिन ऑक्सीजन की स्वाभाविक कमी थी, जितनी डिमांड थी उसकी तुलना में उत्पादन कम हो रहा था, इसलिए ये समस्या पैदा हुई। इस बात को ध्यान में रखते हुए और हमारे जो वैज्ञानिकों ने, हमारे चिकित्सकों ने जो एक आशंका जाहिर की है कि कोरोना का तीसरा फेज भी आने वाला है, उस दृष्टि से हमारी सरकार, हमारे मोदी जी, योगी जी पूरी तरह गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। आज जनपद बलरामपुर के संयुक्त जिला चिकित्सालय के परिसर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के केयर फंड के द्वारा स्वीकृत और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से आज जनपद मुख्यालय पर ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट के लोकार्पण का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे तुलसीपुर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय कैलाश नाथ शुक्ला जी और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अन्य सहयोगीगण और अपने जनपद के सभी वरिष्ठ लोगों के साथ, चिकित्सक बंधुओं के साथ अभी हम लोगों ने लोकार्पण किया है। इस बलरामपुर जनपद के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत गर्व का दिन है और इस कोविड महामारी में ऑक्सीजन की समस्या लगातार बनी रही और आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदत्त यह ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम चालू कर दिया गया है। इससे 100 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई होगी। इसमें आप देख रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट पैनल्स लगे हुए हैं, इसमें बाएं तरफ ऑक्सीजन सेपरेटर्स हैं जो कंसंट्रेट करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेंगे, और हमारे पीछे तरफ ये जो वर्टिकल लिम्ब है इसमें ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाता है और उसको अंडर प्रेशर कंडेंस करके इस जो पीछे साइड में है इस मशीन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है मशीन। प्योर 93% प्लस माइनस थ्री, यानी 96% से 93% मेडिकल प्योरिटी वाला ऑक्सीजन बन करके साइड में जो दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं दो वर्टिकल चैम्बर्स हैं, इसमें ऑक्सीजन संरक्षित किया जाता है।